हेलो साथियों, वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में। तो आप लोग श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट और सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट मैथ और साइंस का जो फॉर्म है वो कैसे भरें, तो चलिए आप लोग को बताते हैं ये जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो इसका लास्ट डेट है 30 अक्टूबर तक, इसका लास्ट डेट है। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। तो आप जो 6 क्लास से 12 तक से बच्चे हैं वो इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो आपको गूगल खोल देना है और गूगल खोलने के बाद यहाँ सर्च करना है BCST बिहार। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यू के ऊपर में जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने कैसा इंटरफेस दिखेगा, फिर आप लोग रजिस्टर नाउ टिप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन ऊपर में दिया होगा सेलेक्ट ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन एग्ज़ाम। तो आप लोग को ये दो को ऑप्शन मिलेगा जिसमें से श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स, ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो मैथ के लिए है और नीचे वाला जो ऑप्शन है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस, ये साइंस के लिए। तो आप लोग का मन, आप लोग दोनों भी भर सकते हैं या कोई एक भर सकते हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे दोनों से भर सकते हैं। आप लोग दोनों भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स फुल नेम में आपको अपना नाम देना है, जो फॉर्म भरना है उनको उनका नाम यहाँ देना है यहाँ पर। और उसके बाद और यहाँ पर मदर नेम में अपने मम्मी का नाम लिखना है, फादर नेम पापा का नाम लिखना है पिताजी का, और डेट ऑफ बर्थ में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है, और सेलेक्ट जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो देंगे। कैटेगरी में आपको देना है जो भी है, जनरल OBC SC जो भी है आपको वहाँ देना है, और सिलेक्टेड नेशनलिटी में इंडियन देना है, और मोबाइल नंबर जो देना है जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और ईमेल आईडी भी जो यूज़ करते हैं उनको दे देना है। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिस्ट्रिक्ट वहाँ देना पड़ेगा, और ब्लॉक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है वो देना पड़ेगा, और सेंटर कि कौन सा मतलब कॉलेज में आप लोग को एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ सेंटर का 2-3 का ऑप्शन आएगा, तब लोग को जो बगल में है उसको चूज़ करके क्लिक कर दीजिएगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ का एड्रेस वहाँ देंगे आप, और वहाँ का पिन कोड भी दे देंगे जो पिन कोड होगा। तो गाइस नीचे आते हैं। तो उसके बाद आप लोग को आधार नंबर देना पड़ेगा वहाँ पर। आधार नंबर देने के बाद फिर जो स्कूल में आप पढ़ते हैं नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम दे दीजिएगा, फिर स्कूल जहाँ पर है वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। तो वहाँ का एड्रेस देने के बाद फिर आप लोग क्लास चूज कीजिएगा कौन सा क्लास में आप हैं। देखिए 6 से लेकर 12 तक है, तो जो क्लास में आप हैं वो क्लास को क्लिक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 10 क्लास, तो 10 क्लास क्लिक कर दी। उसके बाद आप लैपटॉप अवेलेबल और नॉट, आकाश अगर अवेलेबल है लैपटॉप तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद बगल में एक और ऑप्शन है स्मार्टफोन अवेलेबल और नॉट, तो आपका स्मार्टफोन मतलब मोबाइल है कि नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो भाई देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ही होगा, जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहाँ पर आपको मोबाइल लेके जाना पड़ेगा और आपके मोबाइल में ही इस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। तो मोबाइल की व्यवस्था आप लोग करिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर आते हैं अब अपलोड प्रोफाइल इमेज, तो आपको एक अपना इमेज डालना पड़ेगा यहाँ पर जो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में हो, मतलब बहुत छोटा फ़ोटो, एकदम छोटा फ़ोटो लो क्वालिटी का डालना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बगल में आते हैं अपलोड स्कूल आईडी, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो स्कूल में देता है उसको यहाँ पर देना, और वो भी 50 KB से 100 KB के अंदर ही रहना चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं अपलोड सिग्नेचर। तो आप लोग को एक पेज लेकर वहाँ पर सिग्नेचर लिखने के बाद अपना जो सिग्नेचर देते हैं सिग्नेचर करके फ़ोटो क्लिक करके और यहाँ पर अपलोड कर दो। और वो भी देखिएगा 50 KB से 100 KB के अंदर तक हो जाए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए तो नहीं लेगा, अपलोड ही नहीं हो पाएगा। फिर आगे आते हैं यहाँ पर कैप्चा जो है, वो कैप्चा डालने के बाद आई हैव रीड ऑल द इस करने के बाद, और फिर एक और बात, प्लीज़ वेरीफाई ऑल योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज डिटेल्स ऑन फील्ड कैन नॉट बी एडिटेड। तो आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप लोग पूरा जो भी भरे हैं वो सबको एक बार देख लीजिए, कहीं गलत नहीं भर दी, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो। आप लोग समझ में आ ही गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय साथियों।